नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का खेल। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से बसपा के पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने एक बार फिर बसपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने लखनऊ में फिर से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने बसपा का साथ छोड़ दिया था और बसपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन अब फिर से एक बार फिर बसपा में शाह आलम गुड्डू ने अपना वापसी किया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले में उपचुनाव होने वाला है, जिसके लिए अब शाह आलम गुड्डू जमाली को बसपा ने उपचुनाव में अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। आपको बता दें कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब आजमगढ़ जिले से संसदीय पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद आजमगढ़ जिले में लोकसभा का उपचुनाव होगा और माना जा रहा है कि शाह आलम गुड्डू जमाली बसपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। बसपा में एक बार फिर शाह आलम गुड्डू जमाली ने एंट्री मारी है और लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली बसपा के टिकट पर उपचुनाव में उतर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।